हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनटीपीसी की जो नई वैकेंसी आई है, एनटीपीसी असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका नोटिफिकेशन अभी अभी 11 जून को रिलीज हुआ है, अपलोड हुआ है एनटीपीसी की वेबसाइट पे। तो आज हम इस एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी कितनी वैकेंसीज हैं, इसके लिए व्हाट आर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम, व्हाट इज द सिलेबस एंड व्हाट शुड वी डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज द 26 जून। तो अभी आपके पास केवल 13 दिन बाकी बचे हैं, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म को एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाके इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दिया गया है, वहां पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एनटीपीसी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हो कि ये जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है, जिसके अंदर क्वालिफिकेशंस और एग्जाम के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें अभी दी गई हैं, लेकिन स्टिल द सिलेबस इज नॉट रिलीज एंड व्हाट इज द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज स्टिल नॉट रिलीज फॉर द 2024 वैकेंसीज। सो इस वीडियो में हम 2023 में जो वैकेंसीज आई थी उनका क्या सिलेबस था, उनका क्या पैटर्न था, उसी के बेसिस पे हम बात करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली वही पैटर्न और वही सिलेबस रहने वाला है। तो नाउ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इज 20, ओके, एंड द नेम ऑफ पोस्ट इज द असिस्टेंट ऑफिसर एनवायरमेंट मैनेजमेंट। इस एग्जाम के लिए व्हाट इज द अपर लिमिट, इसके लिए अपर लिमिट है वो 30 ईयर है। तो सभी जो भी कैंडिडेट्स हैं वो ध्यान रखिए, जो 30 ईयर से ऊपर के हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देयर इज नो रिलैक्सेशन व्हेन वी आर सी द नोटिफिकेशन, सो देयर इज नो एनी स्पेसिफिक लाइन रिटर्न देयर इज एनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन। सो द कैंडिडेट हु हैविंग द एज मोर देन 30 ईयर दे आर नॉट एलिजिबल, ओके। द ग्रेड पे फॉर दिस पोस्ट इज द फ्रॉम 30,000 टू 1,20,000 पर मंथ, ओके। नाउ द एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है मिनिमम। तो द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द ग्रेजुएशन बीटेक, ओके। बीटेक इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन इन्वायरमेंट विथ एटलीस्ट 60% मार्क। सो ध्यान ध्यान में रखिए, इसके लिए जो बीटेक जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की डिग्री है, ग्रेजुएट जो जिनके 60% मार्क्स हैं वो इसके लिए एलिजिबल है। सेकंड, जो ग्रेजुएट हैं चाहे वो एमएससी का हो चाहे एमटेक का हो, वो 60% के साथ ग्रेजुएशन है, बट उनकी पीजी, उनकी एमएससी और एमटेक कौन कौन से सब्जेक्ट में होनी चाहिए, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, इन्वायरमेंट साइंस में और इन्वायरमेंट इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में 60% मार्क्स के साथ। सो मैं इसको दोबारा रिपीट करने जा रहा हूँ, इसके लिए बीटेक और यूजी बीटेक के स्टूडेंट्स क्वालिफाई हैं जिनकी डिग्री इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में है और उनके मिनिमम पासिंग मार्क कितने होने हैं, 60%। दूसरा, जिन स्टूडेंट्स के पास सिंपल बीएससी है या पीजी डिग्री है, उनकी एमएससी डिग्री है वो इन्वायरमेंट साइंस में, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में होनी चाहिए 60% मार्क के साथ। कई स्टूडेंट के मुझे कॉल आए, मैसेज आए कि सर इसके लिए किसी का केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, किसी का और कुछ है। तो जिनका भी केमिस्ट्री या और कोई सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग है, वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो बेसिकली इस एग्जाम ये दो स्टेज में होती है। फर्स्ट स्टेज में इसका एक रिटन टेस्ट होता है जिसको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, एंड दूसरा होता है जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो क्वालिफाई कर जाते हैं उनका होता है, क्या होता है, इंटरव्यू। तो ये दो स्टेज में होता है, ठीक है। इसके एग्जाम के पैटर्न में टोटल 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इसमें दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए और बी में डिवाइड किया गया है इनका सिलेबस। तो पार्ट ए होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, बेसिकली इन्वायरमेंट साइंस, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये बेसिक सब्जेक्ट होता है पार्ट ए में। और पार्ट बी है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड होता है।
तो कुल मिला के आप टेबल में देख सकते हैं कि पार्ट ए जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसे 70 क्वेश्चन आते हैं, एंड पार्ट बी जो एप्टीट्यूड से रिलेटेड है वहां से 50 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल कितने हो गए 120 क्वेश्चन। ठीक है, ये रही क्वेश्चन की बात। अब इसमें दूसरी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग रहती है या नहीं रहती है। अभी तक इसका कंप्लीट सिलेबस और इसके कंप्लीट अभी गाइडलाइन नहीं आई है कि क्या रहेगा, लेकिन कई जगह वेबसाइट पे हम देखते हैं तो वहां लिखा होता है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई जगह लिखा हुआ होता है नॉट श्योर। तो हम अभी यही मान के चलते हैं कि नेगेटिव मार्किंग श्योर नहीं है। अगर नहीं रही तो अच्छी बात है, अगर रही तो भी अच्छी बात है, उसको अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के करना, हमको नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान देने की जरूरत है। उसके बाद में जो भी कैंडिडेट है वो सीबीटी फर्स्ट स्टेज की एग्जाम में पास हो जाते हैं, वो जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पे 1:5 के 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जाता है। सपोज इस बार 20 सीट्स हैं, तो टोटल 20 सीट्स हैं, तो टोटल कितने 100 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, 100 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा जिसमें से 20 को फाइनली शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। सो ये एग्जाम का पैटर्न है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या है एग्जाम का। तो सिलेबस को मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पार्ट जो ए है वो सब्जेक्टिव बेसिस है, सब्जेक्ट बेसिस है, सब्जेक्ट का क्या नॉलेज होना चाहिए। इसके अंदर कई 7-8 यूनिट हैं जिनके बारे में अभी डिस्कस करते हैं कि क्या क्या यूनिट रहने वाली है। तो जो यूनिट फर्स्ट है जिसको हम सेक्शन 1 भी कह सकते हैं, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। ठीक है, जिसके अंदर क्या क्या है, लीनियर एलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशंस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टेटिक्स। तो ये चार इसके अंदर सब यूनिट्स हैं जिनसे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। तो ये यूनिट मेनली हो मैथमेटिक्स और कुछ पार्ट है वो स्टेटिक्स से रिलेटेड है। यूनिट सेकंड है वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसके अंदर बेसिक इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द प्रिंसिपल ऑफ वाटर केमिस्ट्री जिसके अंदर वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स, देयर मेजरमेंट, एसिड बेस रिएक्शंस, बफर सॉल्यूशन, सोल्युबिलिटी इन द ऑफ गैसेज इन वाटर, प्रेसिपिटेशन, रेडॉक्स रिएक्शन, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स इन द वाटर। उसके बाद में सोयल केमिस्ट्री, फर्स्ट हो गया वाटर केमिस्ट्री, उसके बाद में सोयल केमिस्ट्री, इसमें अबाउट द ऑर्गेनिक मैटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, केटाइन एक्सचेंज कैपेसिटी, व्हाट इज बेस सेचुरेशन एंड सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में है एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, जिसमें कंपोजिशन, रिएक्शंस ऑफ एटमोस्फियर, अर्बन एरिया में जो स्मोक फॉर्मेशन होता है, पोल्यूशन होता है, उसके बारे में, ओजोन की केमिस्ट्री, स्ट्रेटोस्फेयर की क्या केमिस्ट्री है, इसके बारे में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन इस यूनिट के अंदर पूछे जाते हैं। तो यूनिट सेकेंड है वो किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट 3 के बारे में, जो कि रिलेटेड है इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के। इसके अंदर जो सब कंटेंट है वो क्या क्या है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द माइक्रोबियल डाइवर्सिटी, प्लांट माइक्रोब, सोयल माइक्रोब्स इंटरेक्शंस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, बायो रेमेडिएशन एंड बायो जियोकेमिकल साइक्लिंग, जिसके अंदर आ जाते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, ये कुछ मेन बायो जियोकेमिकल साइकिल्स हैं। सल्फर भी है, सल्फर आ गया। ठीक है, उसके बाद में सेल केमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी के बारे में इस यूनिट में पूछा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड जिसके अंदर डीएनए आरएनए आते हैं, लिपिड, पॉलीसेकेराइड, बॉन्ड ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स, स्टीरियो आइसोमोर्फिज्म, बायो मोलिक्यूल्स इन बायो मोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सेल वॉल, आउटर मेम्ब्रेन, कैलिक्स, क्रोमोजोम्स, एंडोस्पोर्स, स्टोरेज प्रोडक्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। सो मेनली जो प्लांट सेल्स और प्लांट ऑर्गेनेल्स हैं उनके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर मेनली जो वायरस और बैक्टीरिया और लिविंग सेल्स के जो ऑर्गन्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा, प्लांट्स का नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद में माइक्रोबियल मेटाबॉलिज्म के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस किया जाएगा। तो यूनिट 3 है वो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड है। इसी यूनिट को हम कंटिन्यूम में देखते हैं कि इसके अंदर ग्रोथ एंड कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी
इसी यूनिट में दिया गया है, जैसे बैक्टीरियल न्यूट्रिशन, देयर ग्रोथ, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, देयर डबलिंग टाइम, मोनोड मॉडल क्या है, टाइप ऑफ कल्चर मीडिया, बैच एंड कंटिन्यूअस कल्चर क्या होता है, इफेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ऑन बैक्टीरियल एंड माइक्रोब्स ग्रोथ, कंट्रोल ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। उसके बाद में माइक्रोबायोलॉजी एंड हेल्थ, ठीक है। इसमें पैथोजन का ट्रांसमिशन वगैरह, इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म्स क्या होते हैं, अगर वाटर पोल्यूटेड है तो क्या इंडिकेटर ऑर्गेनिज्म होगा, इन सब के बारे में इस यूनिट में पूछा जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि यूनिट नंबर 4, सेक्शन 4, जो कि वाटर रिसोर्सेज और इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक से रिलेटेड है। इसके अंदर ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर की क्वालिटी पैरामीटर क्या है, वाटर को थ्रेट क्या है, और वाटर को हम कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में सरफेस वाटर रिसोर्सेज क्या है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल और वाटर बैलेंस के बारे में इस यूनिट में पूछा जा सकता है, जैसे प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, इवापोट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, फ्लो हाइड्रोग्राफ्स, यूनिट हाइड्रोग्राफ्स, स्टोरेज डिस्चार्ज रिलेशनशिप, ये कुछ पोर्शन है वो यहाँ पे आके जो कि मेनली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सरफेस वाटर मैनेजमेंट, रन ऑफ मॉडल्स, तो वाटर रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंटल हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलिक्स में ये सब चैप्टर्स के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसी यूनिट में हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या एक्वीफर्स क्या है, एक्वीफर्स की स्ट्रक्चर क्या होती है, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है, उनके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या होते हैं। उसके बाद में इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स के बारे में उसकी क्या कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड क्या है, प्रेशर मेजरमेंट, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स ऑन सरफेस, बायोन्सी एंड फ्लोटेशन क्या है, लेमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो क्या है, फ्लो थ्रू द पाइप्स, पाइप नेटवर्क, बाउंड्री लेयर थ्योरी, फोर्सेज, फ्लो मेजरमेंट, तो ये सब है वो इन्वायरमेंटल हाइड्रोलिक्स की यूनिट में पूछे जाते हैं। बेसिकली ये यूनिट भी मेनली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 5, और इसको हम कह सकते हैं यूनिट नंबर 5, वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। इसके अंदर वाटर और वेस्ट वाटर के क्वालिटी पैरामीटर्स क्या हैं, इसके अंदर वाटर ट्रीटमेंट के बारे में, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर में क्या क्या स्टेप्स हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्या क्या प्रोसेस हैं, उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। पॉइंट और नॉन पॉइंट सोर्सेज क्या है वेस्ट वाटर के, उनके बारे में इसमें पूछा जा सकता है, ठीक है। सोर्सेज एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस क्या क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। काइनेटिक्स एंड रिएक्टर डिजाइन, ठीक है, इसके बारे में इस यूनिट में पूछा जा सकता है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। नाउ द सेक्शन नंबर 6, जो कि एयर एंड नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड है। अगेन ये यूनिट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटमोस्फेयर के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप एयर पोल्यूशन क्या होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स, एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होते हैं, इन सब के बारे में इस यूनिट के अंदर डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में पार्टिकुलेट मैटर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि पार्टिकुलेट मैटर के टाइप क्या होते हैं, सोर्सेज क्या होते हैं, उनको मेजरमेंट और कंट्रोल करने के क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है। इस देन आफ्टर द गैसियस पोल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उनके बारे में इसमें यूनिट में पूछा जा सकता है। इसी यूनिट में आगे हम ऑटोमोटिव इमिशन कंट्रोल, जो ऑटोमोटिव मतलब गाड़ियों से रिलेटेड, जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड है उनके बारे में पूछा जा सकता है, उनके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो एयर पोल्यूशन को कम करते हैं, लाइक कैटेलाइटिक कन्वर्टर है, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर्स हैं, ठीक है। फ्यूल क्वालिटी के बारे में पूछा जा सकता है, एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम, इसके अंदर मेनली जो पॉइंट सोर्स, नॉन पॉइंट सोर्स, जो गॉसियन प्लूम मॉडल है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद में नॉइज पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, इसे हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं, इसके स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जो सीपीसीबी के द्वारा दिए गए हैं, इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं और इसको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो ये सब क्वेश्चन इस यूनिट में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7, जो कि सॉलिड एंड हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको भी अच्छे से पढ़ना आपको। तो इसके अंदर इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट हायरार्की क्या होती है, वेस्ट से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस इंडिया में क्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होता है, उसमें सोर्स,
सेग्रीगेशन, जनरेशन, उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है उनसे पूछा जा सकता है। हैजार्डस वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक क्या है, कितना जनरेशन होता है, ठीक है, इससे पूछा जा सकता है। सोयल कंटामिनेशन, ग्राउंड वाटर का पोल्यूशन कैसे होता है वेस्ट की वजह से, इसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में बायोमेडिकल वेस्ट है, कुछ अदर वेस्ट है जाए, बायोमेडिकल वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, इनके क्या क्या सोर्सेज हैं, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, इनका कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है, इनका मैनेजमेंट, कलेक्शन, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन इस यूनिट में पूछे जा सकते हैं। तो काफी ब्रॉड यूनिट है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 8, जो कि ग्लोबल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेटेड है। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इसी यूनिट के अंदर है वो क्लाइमेट चेंज को इंक्लूड किया गया है। जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस इसी यूनिट के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस यूनिट के अंदर है ग्रीन हाउस गैसेज क्या होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ग्लोबल डिमिंग क्या होती है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अर्बन हीट आइलैंड्स क्या होते हैं, एसिड रेन क्या होता है, ओजोन होल क्या होता है, बेसिक बेसिक जो क्लाइमेट के इम्पेक्ट्स हैं उनके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद में एक मेजर यूनिट है जो कि इकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन से इस यूनिट में पूछे जा सकते हैं। तो देखा जाए तो यूनिट लगती छोटी है, लेकिन ये यूनिट अपने आप में काफी बड़ी है। इसमें इकोसिस्टम काफी बड़ा नहीं है, लेकिन मेनली जो पॉपुलेशन पार्ट है और इकोसिस्टम और बेसिक इकोलॉजी, इतना तो इसमें पूछा जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 9, जो कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली जो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसको ईएमएस भी बोला जाता है, जो कि आईएसओ 14000 सीरीज से रिलेटेड है, इसमें इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग क्या होती है, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट क्या होता है, लाइफ साइकिल असेसमेंट क्या होता है, ह्यूमन हेल्थ रिस्क असेसमेंट क्या होता है, ये सब चीजें इसके अंदर डिस्कस की जाती है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में इसी यूनिट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। एनजीटी इसमें आएगा, नेशनल इन्वायरमेंट पॉलिसी इसमें आएगी, पोल्यूटर्स पे प्रिंसिपल इसमें आएगा, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इसमें आएगा। उसके बाद में एनर्जी एंड इन्वायरमेंट, एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज है, क्या क्या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, क्या क्या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उन सब के बारे में इसी यूनिट के अंदर पूछा जाएगा। उसके बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या क्या है, ये कॉन्सेप्ट कौन लाया था, इसका एनवायरमेंट से क्या रिलेशन है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी यूनिट में से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, अब तक हमने पार्ट ए के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, जो कि मेनली सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, जिसके अंदर 9 यूनिट थी। अब हम डिस्कस करेंगे पार्ट बी, जिससे कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चंस। पार्ट ए से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कितने, 70 क्वेश्चंस। तो टोटल 70 प्लस 50 मिला के कितना, 120 क्वेश्चंस इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पार्ट बी है वो एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, जिसके अंदर अंदर वर्बल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, और लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस इस यूनिट के अंदर 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंस है इस यूनिट का, यूनिट ए के कंपैरिजन में देखा जाए तो यूनिट बी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलाते हैं हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट से, रामकृष्ण दुबे एंड नवीन मलिक, जो कि 2023 में इस एग्जाम में ऑलरेडी सिलेक्टेड हो चुके हैं असिस्टेंट ऑफिसर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट की पोस्ट में। तो हम जल्द से जल्द इनसे डिस्कस करके आपके लिए एक अलग से एक वीडियो अपलोड कर देंगे, ताकि आपके जो भी सजेशंस हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, उनका सॉल्यूशन हो सके। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।